Hi guys, वेलकम टू फरी फ्रेंड आज की हमारी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो है और वो है अबाउट लाइक यू नो मैं बडी को क्या खिलाता हूँ कैसे खिलाता हूँ कितना खिलाता हूँ so, बड़ी के डाइट के बारे में तो यू नो आई बिन गैट रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइस कि यू नो ये सारा टॉपिक मुझे कवर करना चाहिए एक वीडियो में सो है इट इज़ ओके सबसे पहला क्वेश्चन वट आई फीट बड़ी एंड वाई सो बडी को मैं होम फूड नहीं खिलाता हूँ होम फूड इज़ एक्चुअली नॉट गुड होम फूड इज़ नॉट बैलेंस्ड, उसके अंदर कितना कितनी कैलोरीज़ हैं कितना न्यूट्रिशन है उसके अंदर ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स जो फैटी एसिड्स जो हमें इंपॉर्टेंट चाहिए होते हैं वो है कि नहीं है ये आपको नहीं पता अन्नस आप उसको बैलेंस करें ये आपको नहीं पता कि उसके अंदर कितने हैं सो so, इस रीज़न से Uh, मैं उसको केबल खिलाता हूँ आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास दो किबल के बैग्स हैं किबल होता है ड्राई पपी फूड मेक uh, श्योर sure कि वो पपी फूड हो डॉग फूड ना हो क्योंकि पपी और एडल्ट डॉग के स्टेज में थोड़ा फ़र्क होता है तो यू नो यू कैन सी दिस इज़ पपी दिस इज़ ऑल्सो पपी दिज आर जस्ट रैंडम टू ब्रांड्स आई डोंट प्रेफर एनी ब्रांड और ये ब्रांड्स इंडिया में होंगे भी नहीं तो आप अपने ब्रांड्स यू नो तो, अपनी मार्केट में चेक करें कौन से ब्रांड्स आपको सूट करते हैं आपके पपी को सूट करते हैं क्योंकि ज़रूरी भी नहीं है कि आपको पपी को एक ब्रांड सूट करे और दूसरा भी कर जाए ऐसा भी नहीं होता हो सकता है एक ही सूट करे दूसरा ना सूट करे तो ब्रांड मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है बट उसकी ब्रांड में क्या देखना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बडी को मैं किबल खिलाता हूँ और किबल एज़ पर आवर वेट मैंने ये ये बात वेट से भी कंफर्म करी है कि किबल इज़ सफिशिएंट फॉर अ डॉग और अ पपी वो पूरी लाइफ किबल के ऊपर बिता सकता है आपको घर का खाना खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है उसके अलावा केबल इज़ सफिशेंट फॉर अ डॉग तो आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास दो बैग्स हैं और दोनों बैग में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है थोड़ा सा डिफरेंस है बडी अभी करंटली ये ब्लू वाला बैग खाता है आप देख सकते हो ये क्लिप उपर, ये उपर, ये उपर है इसके ऊपर ऊपर ये ऑलरेडी ओपन है बैग और मैं बडी को भी साथ साथ थोड़े से वेजिस वेजेस खिला रहा हूँ मटर और कैरट्स बहुत अच्छे से खाता है तो ये वाला बैग एक्चुअली आप देख सकते हो ये चिकन एंड पी फॉमूला है आप आई डोंट नो कैमरा में दिख रहा है नहीं बट इट्स अ ग्रेन फ्री इसके अंदर राइस नहीं है बिल्कुल भी और ये यू you नो know, ये बात मुझे अभी पता लगी जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था जब मैं अपने वेट से बात कर रहा था कि ग्रेन इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर अ डॉग फॉर अ पपी दोनों के लिए तो uh, ये वाला येलो वाले में आप देख सकते हो इट्स अ चिकन राइस एंड वेजिटेबल फार्मूला सो उस वाले में राइस है इस वाले में पी है मटर है राइस की रिप्लेसमेंट तो ये वाला भी मार्केट में आता है ये वाला लाइक नर्सिंग डॉग्स के लिए जो कि नर्सिंग मदर्स होती हैं डॉग्स उनके लिए अच्छा होता है ये वाला फॉमूला और पपीज़ के लिए, लिए लिखा है इसमें बट ग्रेन फ्री बैग इज़ नॉट गुड क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके यूज़ से आपके पपी या डॉग के ऊपर हार्ट में इफ़ेक्ट होता है ऐसा स्टडी नहीं है बट ऐसा देखा गया है कि जिन जिन डॉग्स को हार्ट में प्रॉब्लम हुई है उन्होंने ग्रेन फ्री ही खाया था तो इसलिए मेरे वेट ने भी यही कंफर्म किया मुझे कि ग्रेन फ्री नहीं देना चाहिए इस वीडियो के लिए रिसर्च करने पर मुझे पता लगा कि ग्रेन फ्री इज़ नॉट गुड सो so ये वाला बैग तो अभी जाने वाला है आउट होने वाला है और हम इस बैग से स्विच करेंगे येलो बैग पे उसका भी एक रूल होता है स्विच करने का फूड चेंज करने का वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे करना चाहिए बट अब बडी के लिए ये नया बैग आया है और ये वाला बैग क्यों क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक फूड के पपी के लिए बडी को और वेजिस्ट चाहिए तो वो मुझे बोल रहा है और दे दो ओके भाजी गु भाई सारा खा गया भाजी एक बार में तो so, ब्रांड में कोई प्रेफर नहीं करता एक अमेजान का लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप लिंक के थ्रू आपको जो अच्छा लगे वो वाला बैग ले सकते हैं ब्रांड ले सकते हैं बट आपको क्या न्यूट्रिएंट्स देखने हैं क्या न्यूट्रिशन देखना है वो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ इस वीडियो में जो मेन न्यूट्रिश आपको देखने होते हैं एक बैग के अंदर वो होता है कि नंबर वन इन्ग्रीडियंट आपके कीबल का वो होना चाहिए प्रोटीन बिकॉज डॉग्स को प्रोटीन uh, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पपीज़ को स्पेशली ग्रोइंग स्टेज में होते हैं अर्ली लाइफ में तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन इसलिए जब भी नंबर वन इंग्रेडिएंट आप देखेंगे बैक के ऊपर वो होना चाहिए चिकन आई मीन प्रोटीन तो ये फूड चिकन भी आता है सैलम भी होता है और बीफ भी आता है हर तरह के आता है हम चिकन प्रेफर करते हैं बडी को भी अच्छा लगता है और ये कीबल एक्चुअली एडवांटेज वेजिटेरियन पीपल के लिए भी है लाइक मी आई एम वेजिटेरियन बट केबल इज़ बेस्ट फॉर मी बिकॉज यू नो आप बस इतने से निकालो और उसको तैयार कैसे करना है कैसे देना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा तो लेट्स गो ओवर द न्यूट्रिशन जो नंबर वन इंग्रेडिएंट आपको देखना है बैग के अंदर किबल के अंदर वो होना चाहिए आप मीट तो so, वो कितना होना चाहिए एटलीस्ट ट्वेंटी सेवन परसेंट मिनिमम इस बैग के अंदर है ट्वेंटी एट परसेंट विच इज़ गुड तो ट्वेंटी सेवन परसेंट से लेकर थर्टी थर्टी टू तक जाता है तो so, आप मेक श्योर sure करें कि uh, केबल के अंदर ट्वेंटी सेवन परसेंट मिनिमम प्रोटीन हो ओके सेकेंड मेन इन्ग्रीडियंट हमारे बैग में होता है डी एच ए सो डी बहुत ज़रूरी है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और पॉइंट तो अबाउट अबाउट इस रेंज का होना चाहिए आपके बैग के अंदर थर्ड इंग्रेडिएंट होता है ओमेगा थ्री एंड फोर्थ इंग्रेडिएंट ओमेगा सिक्स फैटी एसिड्स ये भी बहुत ज़रूरी है आई डेवलपमेंट ब्रेन एंड यू नो हार्ट के लिए तो इट्स लाइक यू नो जो फिश ऑयल के अंदर होता है इंग्रेडिएंट ये ये भी इस बैग में होना चाहिए ओमेगा थ्री होता है अबाउट पॉइंट फाइव और ओमेगा सिक्स होता है अबाउट थ्री तो अबाउट इतना इतना अगर आपका न्यूट्रिशन है बैग के अंदर तो इट्स इट्स अ गुड ब्रांड वो ज़रूर लें और डू मेक श्योर कि उसके अंदर ग्रेन हो जैसे कि मैंने हम हम ग्रेन फ्री से ग्रेन पे स्विच करने वाले हैं और इसमें एक तरह का वेरिएंट और आता है बैग में और वो होता है कॉर्न बेस्ड तो मेक uh, श्योर sure वो ग्रेन फ्री ना हो और वो कॉर्न बेस्ड भी ना हो राइस ज़रूर हो क्योंकि ग्रेन बहुत ज़रूरी है पपीज की ग्रोथ के लिए ताकि इनको लॉन्ग टर्म में चल के उनको कोई प्रॉब्लम ना आए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स यू फीड योर योर पपी बडी तो बडी को हम uh, तीन बारी खिलाते हैं दिन में और हमने इवनली स्पेस आउट किया हुआ है लाइक uh, like हम सुबह मॉर्निंग में सात बजे खिलाते हैं उसके बाद हम छः घंटे बाद दिन में एक बजे और रात को साढ़े छः घंटे बाद साढ़े सात बजे खिलाते हैं ताकि सोने से पहले अबाउट तीन घंटे का ब्रेक आए और हम साढ़े दस के करीब रात को सो जाते हैं तो यू नो दैट्स हाउ वी स्पेस आउट हम दिन में तीन बार खिलाते हैं ओके थर्ड क्वेश्चन हाउ मच वी फीड बड़ी हम बड़ी को कितना खिलाते हैं तो उसका इजी बहुत इजी सॉल्यूशन है क्योंकि हम किबल खिलाते हैं तो हर किबल हर बैग के ऊपर एक फीडिंग गाइड होती है कि अपने पपी को उसके वेट और उसके एज के हिसाब से कितना खिलाना चाहिए तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अगर आप होम फूड खिलाएंगे अपने पपी को आपको नहीं पता उसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं तो कभी आप हो सकता है कम खिलाएं तो वो पतला हो सकता है स्किनी हो सकता है हो सकता है आप ज़्यादा खिला दें क्योंकि आपको नहीं पता उसके अंदर कितनी कैलोरीज है अगर आप ज़्यादा खिलाएंगे हो सकता है वो ओबीस हो जाए मोटा हो जाए और मोटा होने के बाद पपी को बहुत यू नो प्रॉब्लम हो सकती हैं लाइफ में हम कितना खिलाते हैं वो आंसर है बैक के ऊपर तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक वेट होता है पाउंड्स में या किलोग्राम से इंडिया के अंदर और एक मंथ मंथ या वीक्स में उसकी एज होती है तो बड़ी अभी फोर मंथ्स का है तो और उसके वेट के हिसाब से उसके मंथ के हिसाब से हम एक नंबर पर आते हैं उतने कप्स अ डे हमें बड़ी हमें अपने पपी को खिलाना चाहिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर वो है कि हम बड़ी को फूड कैसे खिलाते हैं तो पूरी प्रेपरेशन फूड की अब आपको वीडियो में दिखाऊंगा अब अब हम रेडी हैं बड़ी को उसकी मेल देने के लिए और आपको उसके लिए आपको आपके पपी का वेट पता होना चाहिए और उसकी एज तो बडी का अभी वेट है ऑलमोस्ट फोर्टी पाउंड फोर्टी पाउंड से थोड़ा कम है और वो फोर मंथ का है ऑलमोस्ट तो उसके लिए एज पर द फीडिंग गाइड को हम साढ़े चार कप देंगे तो उसके लिए आपको एक मेजरिंग कप आपके पास होने चाहिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आप चेकआउट कर लेना ये कप है ये है वन so, कप एंड दिस इज हाफ कप तो हम साढ़े चार कप्स को दिन में तीन बार डिवाइड करते हैं क्योंकि हम बड़ी को तीन बार मिल्स देते हैं तो डेढ़ कप हम ईच बार हम उसको देते हैं तो इससे बहुत ईजी uh, हो जाता है तेरा और हाँ अगर आप बहुत बड़ा बैग एरिया है जैसे हमने लिया हुआ है तो एक फूड स्टोरेज कंटेनर भी ले लें जो कि एयर टाइट हो क्योंकि इससे फूड बिल्कुल फ्रेश रहेगा और चीटी भी होने के चांसेस नहीं होंगे इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा चेक इट आउट सो लेट्स टेक वन एंड हाफ कप और मैं अभी भी ब्लू वाला बैग यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने फूड स्विच करना शुरू नहीं किया है स्विच मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ बट अभी के लिए आई एम यूज द ब्लू बैग सो दिस इज कप And and this is half half cup. So these are one and half cups. ये उसकी एक बार की मील है पर आप देख सकते हो दाना थोड़ा सा अभी होता है। और बड़ी अभी पपी के हिसाब से उसके पास ही teeth, तो so उसको चीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसलिए हम क्या करेंगे हम थोड़ा सा वार्म वाटर लेंगे इट्स अ वार्म वाटर नॉट हॉट और उसको हम किबल को थर्टी मिनट सोक करके रखेंगे बस ज्यादा पानी ना लें अभी केवल भी यू नो थर्टी मिनट्स के बाद ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा सा फूल फूल जाएगा तो ये फूल जाएगा और हम थर्टी बाद बड़ी को ये हम डिनर सर्व करेंगे और अब भी हम इसको ढक के रख देंगे ओके थर्टी मिनट्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं केबल कैसे फूल के ऊपर आ चुका है अभी बहुत सॉफ्ट हो चुका है केबल इट्स वेरी सॉफ्ट राइट नाउ और बड़ी को अब खाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी च्यू करने में प्रॉब्लम नहीं होगी उसके इतने दांत नहीं है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा डाइजेस्ट करने के लिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू चेंज योर फूड हाउ टू ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड फूड टू द न्यू वन सो इसका प्रोसेस थोड़ा ग्रेजुअल होना चाहिए एक वीक के अंदर आपको फूड चेंज करना चाहिए ना कि आप इंस्टेंटली चेंज ना करें क्योंकि उससे क्या होगा कि यू नो इंग्रेडिएंट्स हर बैग के हर ब्रांड्स के डिफरेंट होते हैं क्योंकि पपी बहुत यंग होता है एज में तो वो यू नो एकदम से इंग्रेडिएंट्स वो नहीं डाइजेस्ट uh, कर पाएगा तो उससे उसको लूज मोशन और डायरिया भी हो सकता है तो आप यू you नो know, एक हफ्ते में चेंज करें और वो कैसे होता है कि आप आप फर्स्ट टू डेज़ आप अपने पपी की मील का जो जितना साइज है सपोज आपकी मील इतनी है आप सेवेंटी फाइव परसेंट आप पुराना फूड दें ट्वेंटी फाइव परसेंट नया फूड दें दो दिन तक उसके नेक्स्ट टू डेज फिफ्टी परसेंट पुराना फिफ्टी परसेंट नया फिर दो दिन तक ऐसा करें फिर नेक्स्ट टू डेज आप ट्वेंटी फाइव परसेंट पुराना एंड सेवेंटी फाइव परसेंट नया फूड दें उसके बाद जब नेक्स्ट डे जो सेवन्थ डे होगा आप उसमें पूरा हंड्रेड परसेंट न्यू फूड दे सकते हैं तो दिस इज़ हाउ यू चेंज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया आपने मेरी एक वीडियो के अंदर देखा होगा हमने भी बडी को चिकन राइस का एक यू नो रॉ हमने फीड किया है बडी को वो एक्चुअली वो हमने इसलिए किया था क्योंकि बडी उस टाइम पे डायरिया पे था उसको लूज़ मोशन से और बोनलेस चिकन राइस के अंदर बॉइल करके अगर आप दें कैंट पमकिन के साथ तो वो डायरिया क्योर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और हमने वो दो दिन के लिए दिया था बड़ी को उससे ज़्यादा ना दें क्योंकि बहुत अनबैलेंस्ड फूड होता है उसके अंदर उसके अंदर प्रोटीन कितना हो सकता है आपको नहीं पता काप्स कितने होंगे आपको नहीं पता उसके कैलरीज कितनी है, आपको नहीं पता वो बहुत ही अनबैलेंस फूड है आपके पपी के लिए तो अब हम वो बड़ी को ऐसा फूड नहीं देते हैं अब वो सिर्फ केबल खाता है और लास्ट क्वेश्चन मेरे पास आपके लिए है कि वेन टू स्टार्ट विथ ट्रीट्स कई हमारे व्यूअर्स ने ऐसा भी पूछा है कि ट्रीट्स कब से स्टार्ट करनी चाहिए एक पपी के लिए तो ट्रीट्स का ऐसा कोई एज नहीं है बट ट्रीट्स के ऊपर भी ऐसा लिखा होता है कि यू नो कितना मंथ का पपी को आप कितनी ट्रीट दे सकते हैं तो ट्रीट्स में भी थोड़ी बहुत कैलोरीज होती हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप सबसे पहले तो पपी ट्रीट्स ही लें क्योंकि डॉग एडल्ट डॉग की ट्रीट्स और पपी की ट्रीट्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं तो पपी ट्रीट्स लाए <laughs> कामी <बड़ी> <laughs> ओके गुड बॉय तो आप पपी की ट्रीट्स ही लाएँ और उसके लेबल के हिसाब से हर ट्रीट के ऊपर हर फूड के ऊपर एक लेबल लेबल की फीडिंग गाइड होती है कि उसके हिसाब से आपको ट्रीट देनी चाहिए हमने बडी को अब टू मंथ्स के बाद हमने ट्रीट्स देनी शुरू करती थी वेल दिस इज़ प्रीटी मच इट फ्रॉम दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को क्योंकि बहुत सारी ऐसे डॉग्स की पबीस की टिप्स भी मैं इस चैनल पर शेयर करूँगा आपके साथ और अगर आप बडी को बडी फोटोज और वीडियोज भी देखना चाहते हैं तो उसके इंस्टाग्राम और फेसबुक ही आप उसको फॉलो कर सकते हैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है बाय फ्रॉम मी एंड बाय फ्रॉम बरी बरी से बाय व्यूअर्स अभी वो बिजी है थोड़ा खाने में ओके okay, बाय